गाइज, इस वीडियो को कंप्लीट होते ही आप इंग्लिश टाइपिंग सीख लोगे, यानी कि आप ए टू जेड टाइप करने के साथ साथ कहाँ पे कैपिटल छापना है, कहीं पे नंबर का यूज करना है, सारे आप सीख जाओगे। क्योंकि ये तीनों रो आप जैसे ही सीखोगे तो आप ए टू जेड टाइप करना सीख जाओगे। तो मैं आपको इसमें शिफ्ट का यूज और नंबर का यूज सारा इसमें डाला हूँ, जिससे जहाँ जहाँ कैपिटल छापना होगा तो आप शिफ्ट के साथ छाप सकते हो शिफ्ट का यूज से, और कहीं कहीं पर हमको नंबर का यूज करना है या साइन और सिम्बॉल का यूज करना है कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, तो ये यहाँ पे सारे का मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो और जैसे ही इंप्लीमेंट करते हो तो आपको इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट आ जाएगा, आपको यहाँ पे दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, यहाँ पे मैं आपको डे बाई डे करके मैं इसमें बनाया हूँ। से डे वन में आपको क्या करना है, डे टू में क्या करना है, डे थ्री में क्या करना है, ऐसे करके मैं आपको इस वीडियो में बनाया है। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं आपको डे बाई डे इसमें बनाया है। चाहे जितना मैं आपको बोलूँगा डे वन में करना है, डे टू में जो करना है उस वही आपको इंप्लीमेंट करना है। तो गाइस, आज टाइपिंग सीखने का फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि आपको कीवर्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता है, तो मैं इसमें कुछ आपको कीवर्ड के बारे में बताऊंगा जिससे आपको काफी हेल्प मिले। तो देखो, हम लोग टाइपिंग शुरू करते हैं तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि हमको उंगली सेट करना आना चाहिए। तो उंगली सेट करने के लिए पहले आपको मैं कीवर्ड के बारे में कुछ बता देता हूँ। इसको हम लोग होम रो बोलते हैं, इसको अपर रो बोलते हैं, और इसको लोअर रो बोलते हैं। इसको होम रो क्यों बोलते हैं, जैसे आप घर से कहीं भी बाहर जाते हो उसके बाद लौट कर जैसे आप घर पे आते हो, वैसे ही होम रो पे हमारी उंगली रहती है, और हमें कहीं भी यहाँ पे प्रेस करना है कोई भी उंगली तो हमको प्रेस करके यहीं पे आना होता है, इसलिए उसको होम रो बोलते हैं। और इसको आप देख रहे हो, इसको बैक स्पेस बोलते हैं। इससे हम लोग कोई भी गलती करेंगे तो मिटाने के लिए इस बटन का यूज करते हैं, और इसको स्पेस बटन बोलते हैं। ये जो देख रहे हो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन यही रहता है, इसको हम लोग स्पेस बटन बोलते हैं। तो हम लोग कीबोर्ड में ओंगली ऐसे सेट करते हैं, ऐसे नहीं कि आप कैसे भी टाइप करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं है। हम लोग का ये रूल होता है टाइपिंग में, हम लोग सीखेंगे तो ये देखो उंगली सेट करना होता है। ये छोटी उंगली देख रहे हो, ये ए पे रखेंगे, उसके बाद एस डी एफ ऐसे सेट करेंगे, और ये छोटी उंगली देख रहे हो इधर से, यहाँ पे इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं या सेमी कॉमा भी बोल सकते हो, यहाँ से हम लोग सेट करेंगे। इसके बाद सेमी कॉलन एल के जे, और ये अंगूठा देख रहे हो इसको स्पेस पे रखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हम सभी के पास 10 उंगली है, लेकिन 9 उंगली यूज होता है, ये थम्स यूज नहीं होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो ये अंगूठा यूज करोगे, अगर आप राइट हैंडर हो तो ये अंगूठा यूज करोगे, यानी कि आप जो भी अंगूठा यूज करोगे तो एक ही अंगूठा यूज करेगा। अगर आप इस हाथ का यूज कर रहे हो अंगूठा तो इस हाथ का यूज नहीं करोगे, अगर इस हाथ का यूज कर रहे हो तो इस हाथ का नहीं करोगे, क्योंकि 9 ही ओंगली यूज होता है। और इससे हम लोग स्पेस बटन प्रेस करते हैं। हम लोग मैं यहाँ पे राइट हैंडर हूँ तो इससे प्रेस करूँगा, अगर आप लेफ्ट हैंडर होगे तो इससे प्रेस कर सकते हो, आपका जो यहाँ पे प्रेस हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक ही अंगूठा का यूज होता है, वो भी स्पेस बटन को बटन का प्रेस करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से करके उंगली को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उंगली को सेट कर लेंगे तो ऐसे हम लोग प्रेस करेंगे, ये छोटी उंगली से ए, उसके बाद एस, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, उसके बाद हम लोग स्पेस बटन को प्रेस कर देंगे। मैं दो तरीका बताने वाला हूँ टाइपिंग का, आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है। उसके बाद इधर से आएंगे सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। आपको लग रहा होगा कि दो बटन प्रेस हो रहा है, लेकिन एक ही बटन प्रेस हो रहा है, आपको एक ही बटन प्रेस करना है। स्टार्टिंग में तो आपको उंगली सेट ही करने में दिक्कत होगा, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है, सब हो जाएगा भाई। आपको ऐसे उंगली सेट करना है, उसके बाद ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं इस तरीका बताया हूँ, इसमें क्या है कि आप ये पूरा ए एस डी एफ टाइप करते हो तो स्पेस डालते हो, यहाँ से सेमी कॉलन से जे तक आते हो तब स्पेस प्रेस करते हो। एक और तरीका है ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस सेमी कॉलन स्पेस एल स्पेस के स्पेस जे स्पेस, यानी कि जितने बार आप यहाँ पे बटन को प्रेस करोगे, ए प्रेस करोगे तो स्पेस, इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे स्पेस स्पेस का आदत आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कीबोर्ड में आगे प्रेस करोगे ना तो नहीं भी जहाँ भी स्पेस प्रेस करना होगा वहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर प्रेस करा जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि मैं पहला तरीका आपको बताया हूँ ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे, ये आप तरीका अप्लाई कर सकते हो, नहीं होगा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। और उंगली सेट करने का मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसे करके भी आप सेट कर सकते हो, ऐसे करके
ऐसे करके आपको सेट करना है, या आप चाहे तो डायरेक्ट भी सेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत को देखा हूँ कि यहाँ पे सीधे तरीके से सेट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ कि इस तरीके से आपको उंगली सेट करना है। इस तरीके से मैंने बहुत को सिखाया हूँ, उसको एक बार में दिमाग में सेट हो गया है, और इस तरीके से स्पेस बटन को लग में रखना है। तो एक बार और देख लेते हैं, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। तो इसको आपको कम से कम 3 घंटा करना होगा, क्योंकि ये पहला दिन है और आपको उंगली सेट करने में परेशानी होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 3 घंटा करना है। आप ब्रेक लेके भी कर सकते हो, एक एक घंटे या आधे आधे घंटा का, कहाँ भी प्रैक्टिस करना है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ऐसे आप यहाँ पे नोट पैड जहाँ भी टाइपिंग हो सके वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, काहे ना मोबाइल में आप करो। ऐसे कहाँ पे प्रैक्टिस करना है इससे रिलेटेड वीडियो बन चुका है, तो आपको 3 घंटा करना है, और जहाँ भी टाइपिंग हो सके वहाँ कर सकते हो, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जहाँ भी कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 घंटा करना है। अगर आप एम एस वर्ड में कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 पेज टाइप करना होगा। गाइस, आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का Day 2 है, या प्रैक्टिस करने का Day 2 है। प्रैक्टिस तो उसको बोलते हैं जो सीख लेते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो मान के चलो तो सीखने का Day 2 है। जैसे हम लोग यहाँ पे उंगली सेट करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जी और एच बटन यहाँ पे हम लोग प्रेस करना नहीं सीखे थे, यानी कि ये छूट जाता है, हम लोग यहाँ पे इसको प्रेस करना नहीं सीखे हैं। तो आप देखोगे तो इस तरीके से उंगली सेट करना मैं फर्स्ट डे में बताया था, और ऐसे टाइप किए थे ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। तो ये G और H को देख रहे हो, इसको हम लोग ये दोनों उंगली से प्रेस करते हैं, यानी कि जिससे हम लोग F प्रेस करेंगे उसी से आपको यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टिंग करके G प्रेस करना होगा, और जिससे हम लोग J प्रेस करेंगे जो बटन को, जिससे जो उंगली से जिससे हम लोग J बटन को प्रेस करेंगे उसी उंगली से हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग करके H बटन को प्रेस करेंगे। तो इसका एक रूल है, ऐसे नहीं कि आपको ऐसे प्रेस करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे शुरू से स्टार्टिंग से करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली G और H को प्रैक्टिस करेंगे, शुरू से स्टार्टिंग से करेंगे ऐसे ASDF, उसके बाद F प्रेस करने के बाद हम लोग G पे जाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर F प्रेस करेंगे, उसके बाद स्पेस। यानी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, F प्रेस करेंगे, फिर G प्रेस करेंगे, और फिर F प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है, उसके बाद इधर से सेमी कॉलन LKJ, और जिससे J प्रेस करेंगे उसी से H, और फिर J और स्पेस। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि बस हमको ये F प्रेस करने के बाद G प्रेस करना है, और फिर से F प्रेस करके स्पेस डालना है, और जी यहाँ पे G प्रेस करेंगे, H प्रेस करेंगे, और फिर से यहाँ पे G प्रेस करेंगे, और स्पेस बटन को यहाँ पे प्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, ASDF GF स्पेस सेमी कॉलन LKJ HJ स्पेस। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इसके लिए मैं आपको आसान कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ASDF, उसके बाद G, उसके बाद F पे आ जाना है, प्रेस नहीं करना है, स्पेस और सेमी कॉलन LKJ H स्पेस। यानी कि आपको G प्रेस करना है, स्पेस, H प्रेस करना है, स्पेस। यहाँ पे नहीं कि G प्रेस करके F पे आ गए तो F प्रेस करना है, ये थोड़ा आपको लेजी लग रहा होगा। इसको आपको थोड़ा दिन बाद प्रैक्टिस करना है, यानी कि 1 घंटा प्रैक्टिस कर लेने के बाद इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको हेडेक नहीं हो, इसलिए मैं आपको आसान तरीका बता दिया हूँ। ऐसे तो आपको प्रैक्टिस करना पहला तरीका से आपको चाहिए। एक बार और देख लेते हैं, ASDF GF स्पेस सेमी कॉलन LKJ HJ स्पेस। यानी कि इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसको कितना देर प्रैक्टिस करना है, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, कम से कम 2 ही घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। गाइस, आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का Day 3 है, यानी कि 3रा दिन है। तो हम लोग फर्स्ट डे सेकेंड डे कम्प्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे Day 3 है। Day 3 में हम लोग अपर रो सीखेंगे। तो फर्स्ट डे में हम लोग जैसे यहाँ पे ASDF और इधर से सेमी कॉलन LKJ यहाँ पे पहला दिन में प्रेस करना सीखे थे, यानी कि सीखे थे। उसके बाद Day 2 में G और H सीखे थे। तो क्या हुआ था कि होम रो को हम लोग 2 दिन में सीखे थे, और पहला दिन यहाँ पे कठिन होता है इसलिए हम लोग 2 दिन में सीखते हैं। लेकिन अपर रो हम लोग 1 ही दिन में सीखेंगे, 1 ही दिन में इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा रूल जान चुके हैं होम रो का। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग करना होता है, बाकी बात रूल सेम है। तो जैसे यहाँ पे छोटी उंगली से हम लोग A प्रेस करे थे, उसी तरीके से यहाँ पे Q प्रेस करेंगे, उसके बाद W प्रेस करेंगे, उसके बाद E प्रेस करेंगे, उसके बाद R प्रेस करेंगे, और जिससे जैसे हम लोग F प्रेस करते थे उससे G प्रेस करते थे, उसी तरीके से हम लोग जिससे R प्रेस करेंगे उसी से T प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेस बटन को प्रेस कर देंगे। और इस तरह से उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटी उंगली से P प्रेस करेंगे, उसके बाद O,
उसके बाद आई, उसके बाद यू, उसके बाद जैसे यू प्रेस करेंगे जो बटन सॉरी जिस ओंगली से, उससे हम लोग वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर दे देंगे। तो रूल बेसिकली वही है, जैसे हम लोग जे एच और यहाँ पे एफ सी से प्रेस करते थे उससे जी प्रेस करते थे, उसी तरीके से है। क्या कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टिंग करना है और इधर से यहाँ पे शिफ्टिंग करना है। तो एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे क्यू और डब्ल्यू ई आर आर जिससे आर करेंगे उसी से टी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके कर देना है। आर आपको प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ जाना है, होम रो में आपको बताया था, उसके बाद टी स्पेस, उसके बाद यहाँ पे पी, आपको दो उंगली चला जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रेस एक ही उंगली से होना चाहिए। ओ आई यू और जिससे यू उसी से वाई स्पेस। गाइज आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का डे 4 है, यानी कि चौथा दिन है। तो फर्स्ट डे में हम लोग होम रो सीखे थे, सेकेंड डे में भी हम लोग होम ही रो सीखे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जी और एच बटन का यूज करना सीखे थे, और थर्ड डे में हम लोग यहाँ पे अपर रो सीखे थे, और यहाँ पे आज डे 4 है जिसमें हम लोग यहाँ पे बॉटम रो सीखेंगे। इसको बॉटम रो या इसको लोअर रो बोला जाता है। तो देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे अपर रो यहाँ पे टाइप करना सीखे थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉटम रो यानी कि लोअर रो टाइप करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे की देखोगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टेट आपको दिख रहा होगा एक के सामने में एक, उस तरीके से यहाँ पे एक के सामने में एक आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। जिससे आप ए प्रेस करते थे उसी से आपको जेड प्रेस करना है, इस तरीके से ऐसे आ जाना है। उसके बाद जिस तरीके से आप जिससे आप सेमी कॉलन प्रेस करते थे उससे आपको यहाँ पे डॉट प्रेस करना है। यहाँ पे सेमी कॉलन से भी स्टार्ट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे स्लैश से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे फुल स्टॉप से आपको स्टार्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे उंगली सेट कर लेना है, आपको यहाँ पे शिफ्टिंग करना है। जैसे आप यहाँ से होम रो से अपर रो यहाँ पे शिफ्टिंग किए थे, उसी तरीके से शिफ्ट करके आपको टाइप करना है, ऐसे नहीं कि आपको यहाँ से आपको टाइप करना है। तो देखो, उंगली तो सेट करेंगे, उंगली सेट करने के बाद जिससे हम लोग ए प्रेस करते हैं उसी से हम लोग यहाँ पे जेड प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे उंगली उठा के दिखा देता हूँ, आपको उंगली उठाना नहीं है और जेड प्रेस करना है। जिससे एस उसी से एक्स, जिससे डी उसी से सी, और जिससे एफ उससे भी आपको प्रेस करना है। उसके बाद स्पेस, उसके बाद क्या करना है, इधर सेमी कॉलन जिससे हम लोग प्रेस करेंगे उससे डॉट या फुल स्टॉप इसको बोल लो, जिससे एल उसी से यहाँ पे कॉमा, जिससे के उसके उसी से एम, और जिससे जे प्रेस करेंगे उसी से एन प्रेस करेंगे, और इसी से भी बी भी प्रेस करेंगे, उससे बी बटन को भी प्रेस करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग उंगली सेट कर लेंगे, उसके बाद जेड एक्स सी भी स्पेस, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा, उसके बाद यहाँ पे एम, उसके बाद एन, उसके बाद बी स्पेस, यहाँ पे जेड एक्स सी भी स्पेस और फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी। आप यहाँ से भी बी प्रेस कर सकते हो और या यहाँ पे आके भी बी प्रेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बी उसके बाद स्पेस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शिफ्टिंग करना है, या ऐसे नहीं कि यहाँ पे थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा तो ऐसे ही यहाँ पे आके टाइप करना है, ऐसा आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो सारे आपको टाइपिंग का रूल ब्रेक कर दोगे। तो आपको यहाँ पे उंगली सेट कर लेना है, यहाँ पे जेड, उसके बाद फिर से ऊपर एक्स, फिर से ऊपर, उसके बाद यहाँ पे सी, फिर से ऊपर भी, फिर से ऊपर स्पेस, फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी स्पेस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसको प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 घंटा करना है, तो यहाँ पे 2 घंटा से नहीं होगा तो कम से कम आपको 3 घंटा प्रैक्टिस कर लेना है। बस आपको गलती नहीं हो, आपको टाइप करके देख लेना है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट बटन का यूज करना सीखेंगे। टाइपिंग में हम लोग कैसे शिफ्ट बटन का यूज करते हैं और क्यों शिफ्ट बटन का यूज करते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो आप एक लेफ्ट में शिफ्ट बटन देखोगे और एक राइट में शिफ्ट बटन देखोगे, तो 2 शिफ्ट बटन क्यों है। तो देखो यार, हम लोग शिफ्ट बटन का यूज इसलिए करते हैं कि अगर आप नॉर्मल तरीका से कोई भी की को प्रेस करते हो तो ये स्मॉल में छपेगा, अगर आर प्रेस करते हो तो ये स्मॉल में छपेगा। अगर इसमें आप देखोगे तो एक ही बटन में 2 सिंबल है, यानी कि अगर आप सिंपल तरीके से इसको प्रेस करते हो तो 7 प्रेस होगा, लेकिन अगर इसको एंड का सिंबल छापना है तो आपको शिफ्ट का यूज करना होगा। यानी कि अगर एक ही बटन को 2 बार यूज करना हो तो हम लोग शिफ्ट बटन का यूज करते हैं। यानी कि अगर हमको कहीं भी कैपिटल लेटर छापना है, टाइपिंग कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, बीच बीच में कैपिटल बटन छापना है, तो बार बार आप कैप्स लॉक को ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि बार बार ऑन करोगे बंद करोगे उसमें काफी टाइम लगेगा, तो हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। या हमें इसमें से कोई भी साइन और सिंबल छापना हो तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट का यूज करते हैं। तो आप लोग जान गए हो कि शिफ्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यानी कि एक ही बटन को दोबारा यूज करने के लिए करते हैं। बेसिक तरीका से आप जान लेते हैं कि ये 2 बटन क्यों है।
तो आप देखोगे कि हमारे पास एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है, लेकिन शिफ्ट में उल्टा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड यूज करेंगे तो लेफ्ट का शिफ्ट यूज करेंगे, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो राइट का शिफ्ट यूज करेंगे। कैसे? तो देखो, हम लोग यहाँ पे उंगली सेट करते हैं, तो ये छोटी उंगली देख रहे हो, इससे हम लोग शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं। ये छोटी उंगली देख रहे हो, इसी से हम लोग शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं। मान लो कि हम लोग राइट हैंड की उंगली को यूज करने वाले हैं, जैसे हमको यहाँ पे कैपिटल में आई छापना है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट का शिफ्ट को यहाँ पे छोटी उंगली से शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऐसे करके यहाँ पे कैपिटल आई छाप देंगे। और मान लो कि यहाँ पे हमें W में, W कैपिटल में छापना है, लेफ्ट हैंड को यहाँ पे प्रेस करना है, तो राइट की छोटी उंगली से यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये यहाँ से लेफ्ट हैंड से W को प्रेस करेंगे, तो ये कैपिटल में छपेगा। यानी कि अगर आप इस हैंड का यूज़ कर रहे हो और कहीं भी कैपिटल छापना हो या साइन और सिंबल छापना हो, तो हम लोग ये शिफ्ट का यूज करेंगे और ये छोटी उंगली से शिफ्ट को यूज किया जाता है। और अगर हमें ये हैंड का यूज कर रहे हैं तो ये शिफ्ट का यूज करेंगे और यही छोटी उंगली से यूज करेंगे, या नहीं कि कोई भी उंगली से आप यहाँ पे यूज हैंड का सिंबल आ जाएगा। अगर हमें इधर से प्रेस करना है यहाँ पे हच का, तो हम लोग ये शिफ्ट का प्रेस करेंगे और यहाँ से जाके प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये स्टार छपेगा या एडिरेट छपेगा, न कि यहाँ पे 3 या 4 छपेगा। अगर नॉर्मल तरीका से आप यहाँ पे प्रेस करते हो ये, तो ये 3 छपेगा, न कि